अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारी जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने पहले भाषण में वहां मौजूद सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आगे कहा कि यह एक आंदोलन की तरह था। अब हम अपने देश को नए तरह से मदद करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम पास्ट में सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ट्रंप ने अपने जीत पर कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। पहली बार ऐसा राजनीतिक बदलाव हुआ है। मुझे फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए सभी का शुक्रिया। थैंक यू ऑल वेरी मच। दिस इज ग्रेट। दीज आर आवर फ्रेंड्स। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन दिस इनक्रेडिबल मूवमेंट। This was a movement like nobody's ever seen before. मेरे शरीर में जब तक आखिरी सांस है, मैं अमेरिका की सेवा करता रहूंगा। यह अमेरिकी लोगों की जीत है। इस मौके पर ट्रंप ने एक एक राज्य का नाम लेकर वहां के लोगों का शुक्रिया अदा किया जहां से उन्हें जीत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में घुसपैठ पर भी बात की। इसके अलावा ट्रंप ने अपने वाइफ मेलानिया ट्रंप की भी तारीफ की। साथ ही मेलानिया ट्रंप के द्वारा लिखी गई किताब के लिए भी उन्हें शुक्रिया कहा। ट्रंप की वाइफ ने इस किताब में गर्भपात के बारे में अपने प्रो चॉइस रुख के बारे में लिखा है। इसके अलावा मेलानिया ने इस बुक में ट्रंप से अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया है। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर जीत की बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि हम भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें। मुंबई प्रेस डेस्क की रिपोर्ट।